हूं आस्था कौशिक। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच गहराते विवाद में अब शमी की पत्नी हसीन जहां के पहले पति की भी एंट्री हो गई है। पहली बार मीडिया के सामने आए हसीन जहां के पहले पति एसके सैफुद्दीन ने बताया कि उनकी हसीन जहां से शादी 2010 में टूट गई थी। सैफुद्दीन का कहना है कि हसीन एक महत्वाकांक्षी महिला है और उससे अपनी हसरत पूरी करने के लिए मुझसे तलाक ले लिया था। 2010 में हसीन से मेरा तलाक हुआ था। सैफुद्दीन जो कि पहले पति हैं हसीन जहां के, वो अब सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हसीन एक महत्वाकांक्षी महिला है और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने मुझसे तलाक लिया था और मोहम्मद शमी से शादी की थी। কি জন্য এটা আমি বলতে পারবো না। দুজনে আমার কাছেই ছিল, এখন ছোট মেয়েটা জানুয়ারি থেকে ও মায়ের কাছেই আছে, মেয়ে পড়াশোনা করছে কলকাতাতে। মানিয়ে গেছে বলতে যখনই পরীক্ষা ছুটি হতো তখনই মায়ের কাছে যেত বেড়াতে বছরটা। তো বড় মেয়ে এলো, ছোট মেয়েটা আসেনি, বললো আমি এখানে পড়াশোনা করবো, মায়ের কাছেই থাকবো। আর লাভ ম্যারেজ বিয়ে হয়েছিল। হাসির প্রথমত মিউনিসিপ্যালিটিতে পড়তো, তারপরে পরবর্তী ক্ষেত্রে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, আর্টিতে পড়তো ক্লাস 9 থেকে। হয়তো যেভাবে থাকতে চাইছিল সেভাবে আমি রাখতে পারিনি। और अब आपको बताते हैं आखिर कौन है हसीन जहान। हसीन जहान क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी है। दरअसल जून 2014 में हसीन जहान की शादी मोहम्मद शमी से हुई थी और इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है आयरा। हसीन जहान एक मॉडल रह चुकी हैं। मोहम्मद शमी से शादी से पहले उन्होंने मॉडलिंग भी की है। और अब आपको बताते हैं कौन है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज हैं। शमी ने साल 2005 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। दरअसल शमी ने डलहौजी एथलेटिक क्लब से क्रिकेट की शुरुआत की थी। शमी के दोनों भाई भी क्रिकेटर्स ही हैं, जबकि शमी के पिता तौसीफ अली अपने जमाने में तेज गेंदबाज रह चुके हैं। यहां तक कि टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 110 विकेट भी वो ले चुके हैं मोहम्मद शमी। इसके अलावा वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो शमी के नाम 91 विकेट हैं। टी20 में शमी के खाते में 8 विकेट हैं। शमी को 2013 में भारतीय टीम में जगह मिली।